हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेकी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएक्स प्लेयर के दो नए अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो उससे पहले आप इंश्योर कीजिए कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके इस घंटी के बटन को दबा दिया है, जिससे आपको आने वाले वीडियो हमारे सबसे पहले देखने को मिल पाए। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमएक्स प्लेयर दिन प्रतिदिन नए नए अपडेट अपने एप्लीकेशन में लाता जा रहा है। अगर आप इसके बहुत पुराने यूजर हैं एमएक्स प्लेयर के, तो आपने देखा होगा एक बहुत ही सिंपल सा एक वीडियो प्लेयर या जिसे कह सकते हैं ऑडियो प्लेयर टाइप का एप्लीकेशन था, लेकिन अभी इसमें ढेर सारे ऑप्शंस नए नए आ चुके हैं और ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि इसमें ऑनलाइन वीडियोस देखने के और शोज़ वगैरह देखने के भी ऑप्शन ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन आज इस वीडियो में क्या दो नए अपडेट आए हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा। वैसे एमएक्स प्लेयर से रिलेटेड मेरे चैनल पर और भी कई सारे वीडियो हैं, जिनमें मैंने इसके डिटेल में कई सारे फीचर्स के बारे में बताया। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो उन्हें देखना, उन वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहला जो इसमें अपडेट आया वो यहाँ पे एक नई टैब मिल गई है नीचे एमएक्स प्लेयर में म्यूजिक के नाम का, जिसमें जो कि पावर्ड बाई है गाना ऐप के थ्रू। और इसमें क्या है, आपको सारे लेटेस्ट टॉप बॉलीवुड, ग्लोबल टॉप 50, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी और बंगाली टाइप के नए नए गाने ऑडियो फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, जिन्हें आप यहां से ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं डायरेक्ट, जो कि पावर्ड बाई है गाना ऐप से। तो इसमें सर्च का ऑप्शन अभी आपको नहीं दिया गया है, इन्होंने कुछ ऑलरेडी लिस्ट बना के डाल दी है। जो दूसरी अपडेट है वो क्या आई है कि व्हाट्सएप ने आपके एक और नया फीचर दिया है, जिसकी मदद से आपको एक एप्लीकेशन कम रखना पड़ेगा अपने मोबाइल में। जैसे कि आपको किसी के व्हाट्सएप के स्टेटस या फिर ऐप बी के स्टेटस या ऐसा कुछ डाउनलोड करना होता था, स्टेटस एप्लीकेशन रखना पड़ता था। तो लोकल पर क्लिक करने के बाद जब आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव व्हाट्सअप स्टेटस, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो आपको तो यहाँ पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो एक भी वीडियो यहाँ नहीं मिलेगा, मेरे में आपको 4-5 दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी व्हाट्सअप स्टेटस इसमें मेरे ऐड हो चुके हैं। तो कैसे होंगे, यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा नीचे की तरफ, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सअप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और व्हाट्सअप पर रीडायरेक्ट होने के बाद आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे पहुंच जाएंगे। तो व्हाट्सएप के स्टेटस में जितने भी वीडियो लगे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे ये कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये वीडियो लगाए हुए हैं, तो जौन सा वीडियो आप पूरा देख लेंगे स्टेटस में, वो जाके आपके एमएक्स प्लेयर में वहां पे जाके ऐड हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको टैप दिखा रखी इसमें, यहाँ पर आके वो ऑटो में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। अगर आपको उसको डाउनलोड करना है या सेव करना है, तो यहाँ पे एक आपको बटन मिल जाता है डाउनलोड का, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके पहुँच जाएगा सेव में। ठीक है, ये तभी पहुँचेगा, देखो सेव में अभी एक सिंगल वीडियो है, जब आप इस पर बटन पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पर, तभी जाके ये सेव्ड वीडियो में पहुँचेगा। तो इस तरह से आप व्हाट्सअप स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे आपको डिलीट का बटन मिल जाता है, उस पर क्लिक करेंगे, जिसको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट नीचे ऑप्शन मिलेगा रिमूव, उस पर क्लिक कर दीजिए और इस तरह से ये रिमूव भी हो जाएगा। और अगर आपको फिर से ऐड करना है, तो सिंपल एक बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ये सेव में पहुँच जाएगा, वहाँ जाकर आप इन स्टेटस को प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। और इस तरह के एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ या टैग वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।